नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पहले तो पूरे देशवासियों को आज मैं जन्माष्टमी की दही काले की शुभकामनाएं देती हूं और आज पूरे मुंबई में एक साहसी क्रीड़ा खेल तरीके से यहां दही काला महोत्सव आज हर गली में उत्साह हो रहा है। और इसमें हमारे दहीसर विधानसभा में आज तीन जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दही हंडी रखी है, एक रतन नगर में, एक एक्सर में और तीसरा आनंद नगर में। ऐसी तीन जगह पे हमारे कालाष्टमी के कार्यक्रम हो रहे हैं। हर साल यहाँ वार्ड नंबर 6 में हमारे राजेश मिश्रा जी है, प्रशांत सिंह जी है, हमारे ब्रिजेश दुबे जी है, आशीष तिवारी जी है, हमारे देसाई साहब है, जसुबेन है और सभी कार्यकर्ता मिलके यहाँ दही हंडी का उत्सव कर रहे हैं। इसमें 14 साल से नीचे बच्चों को पुलिस ने जो और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है, वो नियम का पालन कर रहे, 7 थर से ज़्यादा थर नहीं हो रहे। और मैं पुलिस का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अच्छी सुरक्षा रखा है, ट्रैफिक भी उन्होंने अच्छी तरह से कंट्रोल किया है और यहाँ हमारे लोग भी बहुत आनंद देते हैं। अगर पब्लिक ने उनको सपोर्ट नहीं दिया तो थर लगाने वाले हमारे पथक को भी मजा नहीं आती है, इसीलिए साउंड सिस्टम सब अच्छी तरह से होके ये अच्छी तरह से आयोजन किया है। इसीलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का और मेरे पूरे जनता का, पुलिस का, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी कई सालों से करते आ रही है, लेकिन यहाँ पे राजेश मिश्रा जी की टीम जो युवा प्रतिष्ठान है और भारतीय जनता पार्टी से सब लोग जुड़े हुए हैं और एक कई सालों से पूरे जोश खरोश के साथ में जन्माष्टमी का त्यौहार ये लोग मनाते हैं और उसी श्रृंखला में इस साल भी इन्होंने यहाँ पे जन्माष्टमी का कार्यक्रम रखा हुआ है। देखिए, आज से 5 वर्ष पहले मैं और मेरे दोस्त प्रशांत सिंह, अमित सिंह, कमल उपाध्याय, विक्रम कावा, हम ने मिल के दही हंडी का उत्सव स्टार्ट किया था। आज ये 5वां वर्ष है। 2 साल से हमारे साथ में हमारे संयोजक के रूप में श्री आशीष तिवारी जी, विनोद उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, उससे ये कार्यक्रम और भव्य हो रहा है। साथ में हमारी आमदार सोमनीषा ताई चौधरी, उनका बहुत बड़ा हमारे लिए ये रहता है और साथ में हमारे जितने भी नगर सेवक हैं यहाँ के, वो लोग भी हमारे लिए बहुत अच्छा ये करते हैं कि नहीं मतलब इस दही हंडी उत्सव के बहुत ही हर्षोल्लास से मनाओ आप लोग और हम लोग मनाते हैं। ये 5वां वर्ष है और बहुत ही अच्छा से आज तक बिना किसी तकलीफ के ये कार्यक्रम हम ये 5वां वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं और इसमें सभी पूरे यहाँ के रहवासियों का, हमारे रतन नगर के पूरे रहवासियों का, राजेश कंपाउंड के रहवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इस साल से हमारे साथ में विशेषकर अशोक राजपूत जी जुड़ गए हैं, संजय मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जिसके वजह से ये कार्यक्रम और भी भव्य और बहुत ही सुंदर हुआ है। हमारे सभी वार्ड क्रमांक 6 के कार्यकर्ता, जैसे हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं ब्रिजेश दुबे जी, कुंतेश पटेल जी हैं और हमारे दहीसर विधानसभा के महामंत्री सुभाष देसाई जी, मदन बर्वे जी, विमल व्यास जी, पोस्ट ऑफ करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 तर के ऊपर जल्दी पिरामिड नहीं लगाने देता हूँ इस सुरक्षा को देखते हुए ही, और डीजे का भी उतना ही डेसिमल रखता हूँ जितना ज़्यादा मतलब हमारे लिए हमारे कानून के दायरे में होता है। उससे ज़्यादा कभी किसी लोगों को तकलीफ होवे, हमारे किसी रहवासी को तकलीफ होवे, ऐसा काम हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी युवा प्रगति प्रतिष्ठान के मंच पे नहीं करते। जय हिंद। इस बार जो राजेश मिश्रा जी ने ये आयोजन 5 साल से कर रहे हैं, बहुत हम लोग देखते थे, लेकिन इस बार मैं पर्सनली इनके साथ जुड़ा हूँ और पूरा सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी तरीके से राजेश मिश्रा जी ने बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम यहाँ पर दही हांडी का आयोजित किया है
जो अभी मनीषा ताई भी धन्यवाद देके गई हैं, और दहीसर विधानसभा में शायद मेरे को लगता है बड़ा, यह बहुत बड़ा प्रोग्राम है दहीसर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड नंबर 6 में, और सबसे ज़्यादा सहयोग यहाँ पे जो हमारे कावा वार्ड अध्यक्ष प्रशांत सिंह और आशीष तिवारी जी, ये लोग भी बहुत बहुत सहयोग किया है यहाँ पे ये प्रोग्राम में, और सभी पथक लोग आकर के सलामी देकर जा रहे हैं, और अभी तक मेरे को लगता है 19 से 20 पथक आकर के सलामी देकर जा चुके हैं।